थे। प्रश्नकाल वहां पर चल रहा था, तमाम सवाल जवाब जैसे ही उसकी शुरुआत हुई, विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया। ऐसे में 12 बजे तक के लिए सदन की जो कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत की अध्यक्षता में G20 की दो महत्वपूर्ण बैठकें आज से मुंबई और बेंगलुरु में जारी। मुंबई विकास कार्य समूह की हो रही है बैठक, जबकि बेंगलुरु वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की हो रही है बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष में पुडुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग में भारत और चीन के बीच हुई झड़प पर दोनों सदनों में देंगे बयान। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न अंग। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सपूतों को संसद भवन में दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में राजा पटेरिया को उनके निवास पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोमवार को पन्ना के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ FIR की गई थी दर्ज। अमेरिका के दो दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में भारत की अध्यक्षता में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दो उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की करेंगे अध्यक्षता। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। साथ ही शांति, सैनिकों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए एक मैत्री समूह की भी करेंगे शुरुआत। फीफा विश्व कप में एक्शन, रोमांच भरे सेमीफाइनल मुकाबलों की आज देर रात से होगी शुरुआत। पहले सेमीफाइनल मैच में कप्तान मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम की लुका मैड्रिक की क्रोएशिया से होगी भिड़ंत, तो वहीं दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने के लिए करेंगी जद्दोजहद। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले खबरें देखते हैं G20 के आयोजनों से जुड़ी हुई। भारत की अध्यक्षता में G20 की दो महत्वपूर्ण बैठकें आज से मुंबई और बेंगलुरु में जारी हैं। मुंबई में विकास कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता संभाली है जब दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन इसका कार्यकाल समावेशी और कार्रवाई उन्मुख होगा। We are meeting at a point of time when the world is in the midst of a turmoil. Our belief is that every crisis is also a huge opportunity, and there cannot be a better opportunity than what the Prime Minister Modi has said, that India's G20 leadership will be decisive, will be inclusive, will be action-oriented. बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक हो रही है। तीन दिन की बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय मामलों पर चर्चा पर जोर रहेगा। इसके तहत 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने, भविष्य के लिए शहरों को आर्थिक सहायता देने, वैश्विक ऋण संबंधी मामलों के प्रबंधन, वित्तीय समावेश और उत्पादकता संबंधी लाभ तथा जलवायु संबंधी कार्यों के लिए वित्त मुहैया कराने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की दिशा निर्धारित करना शामिल है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुडुचेरी में कंबन कलाई संगम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे, जिसमें देश भर से श्री अरबिंदो के अनुयायी शामिल होंगे। बता दें कि श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान दिया था। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। राजनाथ सिंह लोकसभा में दोपहर 12 बजे और राज्यसभा में 2 बजे बयान देंगे। गौरतलब है कि 9 दिसंबर को तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश प्राचीन काल से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सॉफ्ट पावर के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज को बहुत सुंदर से दर्शाया है। वहीं उन्होंने कहा कि हम सॉफ्ट पावर के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर हैं। आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो ये सीधा सीधा आता है कि ये तो प्राचीन काल से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारा सॉफ्ट पावर, हमारा कल्चरल, हमारा हेरिटेज का जो रिवाइवल हुआ है, इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि ये अद्भुत महसूस होने का चीज है कि 8 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से भारत देश अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं तो ये कह सकता हूं कि आज सॉफ्ट पावर के मामले में दुनिया में नंबर 1 के रूप में उभर के आया है। प्रधानमंत्री ही नहीं, हम भी किसी भी राष्ट्र में किसी भी देश में जाते हैं तो भारत से आया है ये बताने से ही लोग बहुत ही इज्जत भाव से हमको देखते हैं और बात करते हैं। और वहीं विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और इस पर बात करते हैं अपने संवाददाता अनुज यादव से। अनुज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुज, जैसा कि हमने देखा कि जिस तरह से हंगामे की भेंट आज का जो संसद है वो चढ़ा, लोकसभा में कार्रवाई जैसे ही शुरुआत उसकी हुई उसके बाद से लगातार विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आया। अब आगे की रणनीतियां किस तरह से होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विधायी कामकाज है वो अब और ज्यादा डीले होते जाएंगे। देखिए बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से आज लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो सबसे पहले प्रश्नकाल को लिया गया और प्रश्नकाल के अंदर कृषि से जुड़े, किसानों से जुड़े काफी महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो सांसद सदस्य उठाना चाहते थे और उसमें केंद्रीय मंत्री उनका जवाब देते थे। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, चीन और भारत के जो सीमा पर जो झड़प हुई है सैनिकों के बीच में, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सरकार इस पर चर्चा करे और स्पष्ट जवाब दे वहां क्या स्थिति है, इस पर संसद के अंदर वो चर्चा कराना चाहते थे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ अलग अलग इलाकों के सांसद अपने सवाल पूछते हैं अलग अलग मंत्रालयों से, आप प्रश्नकाल को चलने दीजिए। इतने में ही बीच में जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं उन्होंने भी बीच में खड़े होकर इस बात को कहा, सरकार की तरफ से इस बात को स्पष्ट किया कि जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो 12:30 बजे लोकसभा के अंदर चीन और भारत की सीमा पे जो विवाद हुआ है उस पर वो अपना जवाब देंगे, स्पष्टीकरण देंगे और 2 बजे राज्यसभा के अंदर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के सदस्य, खासतौर से विपक्ष के सभी राजनीतिक दल हंगामा करते रहे, वो प्रश्नकाल को नहीं चलना देना चाहते थे। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को 1 घंटे के लिए 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दूसरी तरफ मैं राज्यसभा की बात करूं तो वहां भी कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से चीन के मुद्दे को लेकर वहां भी वो चर्चा कराने की बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन वहां अभी भी कार्य कामकाज चल रहा है राज्यसभा के अंदर। लेकिन जिस तरीके से जब सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, रक्षा मंत्री ने सुबह बैठक बुलाई है जिसमें
सेना के अध्यक्ष हैं, एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और उसके बाद उन्होंने इस बात को साफ तौर पर पहले ही रक्षा मंत्री की तरफ से इस बात का मैसेज आया था कि लोकसभा के अंदर, क्योंकि सदन चल रहा है तो जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है वो उस पर लोकसभा में अपना बयान देंगे। तो ऐसे में जब कांग्रेस की अभी जिस तरीके से उनका हंगामा चल रहा है, वो सदन को नहीं चलना देना चाहते हैं, तो केंद्रीय संसदीय मंत्री और सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब सरकार हर बात पर चर्चा करने को तैयार है, हर बात का जवाब देने को तैयार है, तो आखिर फिर ये हंगामा जो बिल्कुल अनुज, जब ये संसदीय कार्रवाई की शुरुआत हुई तो हमने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सबसे निवेदन किया कि 12 बजे के बाद जब राजनाथ सिंह यहां पर होंगे तो वो तमाम जवाब देंगे। ऐसे में विपक्ष ने पहले से ही ये ठान रखा था कि आज इस मुद्दे को वो उठाएंगे, लेकिन सरकार ने भी अपनी बात रखी कि आप 12 बजे तक का इंतजार कर लीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए और उसके बाद की आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। लेकिन बावजूद इसके जो विपक्ष का जो हंगामा है वो देखने को मिला और जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई स्थगित हुई। देखिए गौरव, बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष ने भी इसी बात को कहा कि संसद की कार्यवाही नियमों के तहत चलती है और ये एक नियम है कि सबसे पहले चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, या तो शून्यकाल को लिया जाता है या प्रश्नकाल को लिया जाता है, क्योंकि प्रश्नकाल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश भर के जो सांसद अलग अलग से जगहों से चुनकर आते हैं वो अपने सवालों को पूछ सकते हैं और वो सवाल जनता के सवाल होते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से कोई भी अगर बयान देना होता है या स्पष्टीकरण किसी बात को देना होता है तो 12 से 2 बजे के पास का ही हमेशा समय रखा जाता है, क्योंकि 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल एक घंटे के लिए चलता है। तो बाकी कार्यों को रोकते हुए ऐसे में 12 बजे का समय रखा गया था सरकार की तरफ से, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन लगता है, ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस सिर्फ इस मुद्दे को सुनना नहीं चाहती थी, इस पर कोई जवाब नहीं सुनना चाहते, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना था। इसी तरह की बात जो है यहां पर केंद्रीय संसदीय मंत्री ने बाहर आकर की है। अनुज, हमने देखा इससे पहले संसदीय सत्र जो चला था, पिछले साल भी हमने देखा, उसके बाद हमने इस साल मॉनसून सत्र भी देखा, अब एक बार फिर से संसदीय सत्र चल रहा है, हमने देखा तमाम ऐसे विधायी कामकाज हैं जो लगातार लंबित होते चले जा रहे हैं और उन पर फैसला नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका, जबकि इससे पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और हंगामे की बेट ना चढ़े इसको लेकर भी तमाम पार्टियां रजामंद भी नजर आई थी, लेकिन जब स्थितियां संसद तक पहुंचती हैं तो तस्वीर उसके उलट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पैरामीटर सेट नहीं हो पा रहा है विपक्ष का कि आखिर वो क्या चाहता है, क्योंकि अगर इस मसले पर उसको बातचीत करनी भी थी तो ये प्रश्नकाल वो चलने देता, 12 बजे के बाद तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जवाब देते ही। देखिए, जब भी गौरव किसी भी सत्र की शुरुआत होती है तो कोशिश यही होती है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, विपक्ष इस सत्र के दौरान क्या चर्चा चाहता है, उनके क्या मुद्दे हैं, और उनको इस बात का आश्वासन भी दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कि आप जिन मुद्दों को लेकर चर्चा आप कराना चाहते हैं आप उसका प्रस्ताव आप लेकर आइए और उस पर वो समय देंगे। और जो भी किसी भी चर्चा की बात होती है तो निश्चित तौर पर वो एक समिति फैसला लेती है किस दिन और कब उस मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी, और ये सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से आश्वासन दिया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पिछले हफ्ते जब संसद सत्र की शुरुआत हुई थी शीतकालीन सत्र की, तो सबसे पहले यही अनुरोध किया था और उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया था कि संसद की कार्यवाही के अंदर विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और विपक्ष अगर सही मुद्दों को उठाएगा, चर्चा अगर हर मुद्दे पर वो करना चाहते हैं उस पर वो चर्चा करेंगे और हंगामा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें देश का भला होता है, क्योंकि संसद की कार्यवाही में ना सिर्फ पैसा खर्च होता है बल्कि ऐसे में समय भी बर्बाद होता है और पूरे देश। बिल्कुल अनुज जी, हमने देखा भी, हम जैसे की बात भी कर रहे थे, पिछले साल भी संसदीय सत्र में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मॉनसून सत्र में भी अमूमन यही हाल देखने को मिला, अब की बार संसदीय सत्र से ये उम्मीदें थी कि जो जितने भी पेंडिंग विधायी कामकाज थे वो अब की बार सुचारू रूप से चल पाएंगे, लेकिन हंगामे की भेंट अगर चढ़ता रहा तो ऐसे में तो नुकसान जनता का ही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है, और कई बार तो देखिए नसीहत भी देनी पड़ी है कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं उनको भी, कांग्रेस के सदस्यों को भी, जिस तरह का व्यवहार कई बार उनका संसद के अंदर रहता है कि वो तख्तियां लेकर जो हैं वेल में आ जाते हैं और जिस समय प्रश्नकाल चलता है या कोई दूसरे विधायक कार्यों के अंदर चर्चा होती है, किसी बिल को लेकर जब सरकार आती है, महत्वपूर्ण बिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर जब कांग्रेस की तरफ से या दूसरे विपक्ष की तरफ से जब हंगामा होता है तो पूरे देश की जनता उसको देखती है और वो एक अच्छा
मैसेज, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद से वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। और हमने तो पिछले सत्रों में कई बार गौरव देखा है कि लोकसभा अध्यक्ष को कई बार ऐसी नसीहतें देनी पड़ी हैं विपक्ष को जो निश्चित तौर पर अखबार की सुर्खियां बनती हैं और वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, पिछले सत्र के दौरान भी महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा जारी रखा, पूरा सत्र उसकी भेंट चढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर सही समय पर चर्चा कराई थी। तो निश्चित तौर पर यही एक सबसे बड़ा निवेदन सरकार की तरफ से विपक्ष को रहता है कि आप कम से कम प्रश्नकाल जैसे मुद्दों को तो चलने दीजिए, क्योंकि प्रश्नकाल जब कोई एक चुना हुआ प्रतिनिधि सांसद सवाल पूछता है तो वो जनता के सवाल होते हैं और उस इलाके बिल्कुल हम इस प्रश्नकाल के दौरान यही सब देख भी रहे थे कि तमाम जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर जिस तरह की जो स्थितियां हैं उनसे अवगत कराया जा रहा था, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी वहां पर पूछे जा रहे थे जिनका जवाब भी वहां पर तलब किया गया था, लेकिन जब हंगामा हुआ तो उसकी भेंट ये चढ़ गया। अब ऐसे में तो कार्रवाई स्थगित हो गई है, तो अब आज का जो विधायी कामकाज है वो आगे और ज्यादा डीले होता जाएगा। देखिए सबसे पहले तो क्योंकि अब 12 बजे तक की लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है, तो 12 बजे साढ़े 12 बजे के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है अपना बयान देंगे, जो चीन और भारत सीमा पर जो विवाद हुआ है, और उसके बाद निश्चित तौर पर क्योंकि जो किस कल की भी बात करें तो दो विधायी कार्य हुए थे, आज भी तीन विधायी कार्य जो हैं आज लोकसभा के अंदर आने हैं, तीन जो विधेयक हैं उनको रखा जाएगा, उन पे चर्चा प्रस्तावित है, और जो अनुदान मांगे अतिरिक्त अनुदान मांगे हैं उन पर भी चर्चा प्रस्तावित है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि विपक्ष की क्या भूमिका आगे के दिन भर में रहती है, लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके का अभी तक संकेत विपक्ष ने दिया एक अच्छा संकेत नहीं है संसद की कार्रवाई को बाधित करना। ऐसे में अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए का नुकसान भी इसमें होता है, क्योंकि हर घंटे के हिसाब से एक आंकड़े भी पेश किए गए थे कि कितना नुकसान होता है संसद जब चलती है, तो ऐसे में जनता पर ये कहीं ना कहीं इसका बोझ नजर आता है, क्योंकि जनता के हित की बात संसद से ही निकलती है, और ऐसे में इस तरह की अगर स्थितियां होंगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है उस पर तो सवाल खड़े होंगे, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर जनता का नुकसान है, क्योंकि संसद की जो भी कार्रवाई होती है वो जनता के पैसे से होती है, टैक्स के पैसे से होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती संसद परिसर के अंदर और बाहर की जाती है, तो निश्चित तौर पर जो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है सांसदों को ले जाने और भेजने का, इसके अलावा जब संसद की कार्रवाई चलती है तो सांसदों को अलग से भत्ता भी मिलता है आने और जाने के लिए, कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए, और जब संसद की कार्रवाई लगातार बाधित होती है तो ऐसे सांसद भी कहीं ना कहीं वो भी नाराज होते हैं कि वो अगर साउथ से, नॉर्थ ईस्ट से या देश के कोने दूसरे कोनों से वो यहाँ पर सिर्फ जनता की आवाज को उठाने के लिए आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं निराशा हासिल होती है कि वो देश की जनता की बात उठाना चाहते हैं और कुछ राजनीतिक दलों की वजह से वो उनसे वंचित रह जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक काफी नुकसान भी होता है, आर्थिक रूप से हम देखें तो नुकसान होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश की जनता के सामने जो एक मैसेज जाता है विपक्ष की कार्रवाई जो बाधित करने की हमेशा बनी रहती है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मैसेज भी नहीं जाता, आर्थिक रूप से तो निश्चित तौर पर नुकसान होता ही है। बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में 12 बजे तक संसद की जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया गया है, 12 बजे के बाद जब यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे तो वो तमाम सवालों के वहां पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है और इस दौरान 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश के इन सपूतों को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 13 दिसंबर 2001 को ही आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन पर हमला किया था। यह हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था। सभी गणमान्य जन,
और वहीं लोकसभा में संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों ने 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के 9 शहीदों की याद में 1 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में भारत की अध्यक्षता में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। ये प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की ओर से एक उपहार होगी। विदेश मंत्री शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए एक मैत्री समूह की शुरुआत भी करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार आज से श्रीलंका के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। नौसेना प्रमुख 15 दिसंबर को श्रीलंकाई नौसेना और समुद्री अकादमी त्रिंकोमाली में कमिश्निंग परेड में बतौर मुख्य अतिथि और समीक्षा अधिकारी के रूप में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख श्रीलंका के वरिष्ठ राजनीतिक और रक्षा नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे। वो श्रीलंका सशस्त्र बलों के अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे और विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। नौसेना प्रमुख की ये यात्रा श्रीलंका के साथ विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाएगी। भारतीय नौसेना वार्षिक स्टाफ वार्ता के माध्यम से नियमित रूप से श्रीलंका नौसेना के साथ बातचीत करती है और नियमित रूप से अनेक सैन्य अभियानगत गतिविधियों का संचालन करती है। भारतीय नौसेना श्रीलंकाई नौसेना की क्षमता में वृद्धि संबंधी कदमों में भी साथ देती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना भारत में श्रीलंका नौसेना कर्मियों के प्रशिक्षण सहित विभिन्न क्षमता वृद्धि परियोजनाओं में सक्रिय रूप से लगी हुई है। वहीं श्रीलंकाई नौसेना भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित विभिन्न बहुपक्षीय कार्यक्रमों में एक नियमित भागीदार है। और वहीं साल 2022 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। हर महीने की तरह इस महीने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके देशवासियों से सुझाव भेजने का आग्रह किया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसी महीने की 25 तारीख को 2022 की आखिरी मन की बात होगी। कार्यक्रम के लिए आपके सुझाव प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं। मेरा आपसे आग्रह है कि नमो ऐप पर MyGov पर लिखें या 1800117800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड करें। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दमोह जिले में राजा पटेरिया को उनके निवास से गिरफ्तार किया गया। सोमवार को पन्ना के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय है कि राजा पटेरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के तुलीबल इलाके में संदिग्ध IED मिला। घटनास्थल पर सोपोर पुलिस 52 RR और CRPF की टीम मौके पर मौजूद है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। उधर असम के हैलाकांडी जिले में सोमवार को 2 संगठनों के 1179 ब्रू आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ बराक वैली और ब्रू रेवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ यूनियन से जुड़े उग्रवादियों ने
18 AK सीरीज के राइफल, M16 राइफल सहित 350 हथियार और 400 से अधिक कारतूस भी सौंपे। दोनों संगठन ज्यादातर असम मिजोरम सीमा से सटे इलाकों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण करने वालों में राजेश चरकी के नेतृत्व वाले ब्रू के 634 सदस्य और धन्य राम रेंग के नेतृत्व वाले UDLF-BV के 545 सदस्य हैं। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बस लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है और इस पहल से अलग अलग तरह की किताबों तक पाठकों की पहुंच और आसान हो गई है। इस मौके पर हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर ने बस लाइब्रेरी में पहुंचकर पाठकों से बात की, देखिए। काशी तमिल संगमम का एक बड़ा पार्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट, उसने यहाँ पे ये लाइब्रेरी बस लगा रखी है। एक छात्रा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, ये लाइब्रेरी बस से आप लोगों को क्या फायदा लग रहा है? काशी तमिल संगमम चूंकि चल रहा है, यहाँ पे अनेक प्रकार की किताबें रखी हुई हैं, कुछ मोटिवेशंस हमें दे रही हैं, कुछ हमें देश के बारे में समझा रही हैं, तो यहाँ पे छात्राओं को बहुत तरीके के लाभ हैं। यहाँ पे हम अपनी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने करियर के बारे में जान सकते हैं। काशी तमिल संगमम के तहत ये लाइब्रेरी बस लगाई गई है, इससे आप शिक्षकों और छात्रों को क्या फायदा देख रहे हैं? बस पर भारतवर्ष के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जितने प्रदेश हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अपने देश के बारे में, हर प्रदेश के बारे में सारी किताबें दिखाई दे रही हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, भूमि जहांगीर भाभा हुए, सबके बारे में बच्चे बड़े इंटरेस्ट से पढ़ भी रहे हैं और उनके बारे में समझ भी रहे हैं। इससे पहली बार हुआ कि लाइब्रेरी खुद बच्चों के पास चल कर आई है। आपको क्या फ़ायदा लग रहा है इस लाइब्रेरी बस से? हम लोग किताब पढ़ते हैं, वो बहुत मतलब यूज़फुल होते हैं, इससे हम इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत नॉलेज भी मिलता है बुक से। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे ये बस दिखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बुक लेना चाहिए। बस का मकसद है, लाइब्रेरी बस का, कि जिसको दिख जाए, पढ़ने का शौक़ हो तो वो आके किताबें देख सके, खरीद सके। काशी तमिल संगमम की तरफ से ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय को एक अनुपम भेंट है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। और वहीं दिसंबर महीना लगभग आधा जा चुका है और राजधानी दिल्ली में अभी कपकपा देने वाली सर्दी की बजाय दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज से बर्फीली हवा के तेज होने के कारण तापमान में तेजी से गिरावट होनी शुरू होगी। पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से भी ये गिरावट दर्ज होगी। तेज बर्फीली हवा मैदानी इलाकों में सर्दी को बढ़ा देगी। सप्ताह के अंत तक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के कारण सर्दी अपने तेवर कड़े कर देगी। इस सप्ताह से घना कोहरा पड़ने का भी अनुमान है। और वहीं उत्तर भारत समेत पूर्वी भारत के भी कई इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कोहरे ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। सुबह के समय कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम हुई, जिससे लोगों को वाहन चलाते वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिसंबर माह शुरू होते ही मौसम में बार बार तेजी से बदलाव हो रहा है। वहीं सुबह के समय सर्द हवाओं का दौर भी शुरू हो गया है। हवा का रुख तेज होने की वजह से लोगों को अब ठंड का एहसास अधिक होने लगा है। वहीं रात के वक्त पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में कोहरा और ठंडी हवा की दस्तक के बाद अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के साथ ही सर्दी बढ़ने के आसार हैं। इसके चलते दिन में भी हल्का कोहरा रह सकता है और सर्दी बढ़ेगी। आज सुबह लखनऊ और आसपास के जिलों में सुबह धुंध या हल्का कोहरा रहा। वहीं गोरखपुर में घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम हुई, वाहनों को लाइट जलाकर आवागमन करना पड़ा। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते दिखे, चाय की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ नजर आई। विपक्ष के द्वारा चलने में समूचा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की, और आइए अब आपको सीधे सुनवाते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो कुछ अरुणाचल में आग की देर रात और नौ की सुबह घटी घटनाओं का वाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया।
इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखें। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बाद। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अब मौका देते हैं तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन 2005-06 और 6-07 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई, इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेपाल पर दावा कर दिया, वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को अरुण चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल, ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को टेम्पर वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण डैम चौक में रोक दिया, ये क्यों रोका गया इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं ये दोहरा दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है, जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है मैं इसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापिस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जिसका प्रणेता जाकिर नायक, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है उसी के सदस्य है, तो आपको ये पैसा जाकिर नायक ने किस मकसद के लिए दिया था, इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि जिस तरह से जो पार्लियामेंट में स्थितियां आज देखने को मिली हैं कि विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहा था उस तवांग घटना पर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वहाँ पर हंगामे की भेंट संसद भवन वहाँ पर चढ़ा, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि अगर हम आपको बताएं कि उस वक्त वहाँ पर विपक्ष हंगामा कर रहा था और उसके बाद ये भी बात साफ कर दी गई थी और 12 बजे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां पर रहेंगे और तवांग घटना को लेकर वो तमाम बड़ी बातें वहां पर साझा करेंगे। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, जैसा कि हम अभी गृह मंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने तमाम बातें यहां पर कही हैं और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है कि विपक्ष जिस तरह से लगातार हंगामा करता नजर आ रहा है, जो मुद्दे हैं वो तो प्रभावी उतने नहीं है लेकिन उसके अलावा जिस तरह की स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में विपक्ष को खड़ा करती हैं। देखिए गौरव, गृहमंत्री अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत में कहा है कि दरअसल जो हंगामा हो रहा था जिसकी वजह से प्रश्नकाल नहीं चल पाया लोकसभा में और कांग्रेस जिस मुद्दे को क्यों बहाना लेकर यह हंगामा कर रही थी, दरअसल ये हंगामा राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर जो FCRA जो लाइसेंस रद्द किया गया है उसको लेकर एक सवाल लगा हुआ था और उस पर जवाब देना था गृह मंत्री को। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें हम जानते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चीन से एक जो सहायता मिली थी, जो उन्हें एक तरह से कहें कि चंदा मिला था, तो उसको लेकर बहुत सवाल उठे थे कि आखिर रिसर्च के लिए जो चंदा दिया गया था उसका कहां इस्तेमाल किया गया, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी फाउंडेशन पर लगातार सवाल उठते रहे और हम जानते हैं कि उनके FCRA लाइसेंस को रद्द किया गया था। तो दरअसल आज बीजेपी ने बहुत कड़ा हमला बोला है कि दरअसल एक बहाना था संसद में लोकसभा के प्रश्नकाल को नहीं चलने देने का, चूंकि राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ा सवाल उस पर जवाब आना था और जिस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदे को लेकर गांधी परिवार पर सवाल उठते रहे हैं कि चीन से आखिर रिसर्च के नाम पर जो चंदा दिया गया उसका कहां इस्तेमाल किया गया, और ये भी स्पष्ट तौर पर गृहमंत्री ने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक इंच जमीन भी नहीं जाने वाली है, तो निश्चित तौर पर बहुत करारा प्रहार कांग्रेस पार्टी की नीति और कांग्रेस पार्टी के जो रुख संसद में अपनाया गया है उस पर आज बीजेपी और गृहमंत्री अमित शाह ने उठाया है मीडिया से बातचीत करते हुए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब किस तरह से हजारों एकड़ जो जमीन थी वो चीन के कब्जे में चली गई, तो ऐसे में उस पर भी उन्होंने करारा प्रहार यहाँ पर अपने संबोधन में पूरा किया है और जो बातें उन्होंने रखी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आ रही है।
ये देखिए कांग्रेस पार्टी की क्या नीति रही है, खासतौर पर चीन को लेकर, और किस तरह से भारत की जमीन गई थी 1962 का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बात कही, और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पे एक तरह से सीधा निशाना साधा है कि दरअसल वो जो आरोप लगाते हैं या जिन तथ्यों को रखते हैं, दरअसल उसके पीछे कोई और मुद्दा होता है जिसको छुपाना चाहते हैं, जिस पर वो चाहते हैं कि चर्चा न हो, जिस पर कोई जवाब न आए। चूंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को जब चीन से चंदा मिलने की बात सामने आई थी, तभी यह सवाल उठा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था और क्यों उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया, क्योंकि उस पर लेकर कभी कोई सफाई नहीं आई राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ताओं की तरफ से। तो ऐसे में हम निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी आक्रामक है संसद में गतिरोध को लेकर, जैसा कि हम जानते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि वो मुद्दा उनका के बहाने राजीव गांधी फाउंडेशन के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करने से जुड़े सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उस मुद्दे पर जवाब हो, लिहाजा संसद को, लोकसभा को प्रश्नकाल को बाधित किया गया। तो मतलब कह सकते हैं शैलेंद्र की सोची समझी रणनीति थी संसद ना चलने के लिए। बीजेपी का यह कहना है कि ये सोची समझी आज एक रणनीति बनाकर कांग्रेस पार्टी आई थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ा एक सवाल लगा हुआ है, उस पर सरकार की तरफ से जवाब होना है, तो ऐसे में लोकसभा को ना चलने दिया जाए, प्रश्नकाल को ना चलने दिया जाए, और आज बहुत करारा हमला गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बोला। ठीक है शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा और सुनिए अमित शाह क्या कहते हैं। रात और नौ की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा, फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था, अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-06 और 6-07 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई, इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया, वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ?
25 मई 2007 को अरुण चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल, ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को टेपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया, ये क्यों रोका गया इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोहरा दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है, जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नायक ने किस मकसद के लिए दिया था? इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। करारा हमला कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने किया है। ऐसे में आपको बता दें कि जो संसद की कार्रवाई थी और जिस तरह से उसमें व्यवधान डाला गया, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है, और इसी को लेकर उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही है कि कांग्रेस आज जो बात कर रहा है, जिस मसले पर जहाँ बातचीत करनी थी, जहाँ प्रश्नकाल चल रहा था, वहां पर कांग्रेस ने किस तरह से हंगामा किया। हालांकि 12 बजे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस मसले पर वहां पर बात करने वाले थे, तमाम जवाब वो देने वाले थे, लेकिन बावजूद इसके जो उनकी मंशा थी, कांग्रेस की सोची समझी जो रणनीति थी, उसके तहत कांग्रेस वहां पर आई और उसने लगातार इस तरह की स्थितियां वहां पर पैदा की जिससे हंगामा हो और हंगामे की भेंट पूरा का पूरा जो प्रश्नकाल है वो चढ़ जाए। ऐसे में जो सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी उठाए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो पांचवा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 5वीं थी, जिसमें राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर जो बात आने वाली थी, तो कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसके अंतर्गत कांग्रेस हंगामा करती हुई नजर आई। और हालांकि पहले ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहले ही कह दिया था कि 12 बजे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब आएंगे तो वो तमाम सवालों के यहां पर जवाब देंगे और तमाम बड़ी बातें यहां पर रखेंगे उस घटना से जुड़ी हुई जो कि तवांग में देखने को मिली थी। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया। विपक्ष की मंशा पहले से साफ थी, सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष यहां पर आया और जिस तरह की स्थितियां वो थी वो तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही थी, और इसी को लेकर गृहमंत्री ने जब अपनी बात रखी, उन्होंने तमाम जिक्र यहां पर किए। उन्होंने 1962 को भी याद किया कि उस दौरान कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस दौरान क्या हुआ था, क्या कांग्रेस ने उस वक्त कोई बड़े स्टेप्स उठाए थे, क्या कांग्रेस ने उस वक्त कोई ऐसे स्टेप्स उठाए थे, क्या वो कारगर थे। लेकिन नहीं, क्योंकि हजारों एकड़ जो जमीन हमारे देश की थी वो चीन के कब्जे में चली गई, जिस पर अवैध कब्जा चीन ने कर रखा था। उस वक्त कोई नीतिगत फैसले वहां पर नहीं लिए गए थे। तो ये तमाम बड़ी बातें यहां पर गृहमंत्री
अमित शाह ने अपने इस पूरे बयान में कही है, जो लगातार हम आपको सुनवा रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।